वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्विज रोज रात के 9 बजे देखने को मिलेगी। इस क्विज में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और हर क्वेश्चन पर आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। इन क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्विज को स्टार्ट करते हैं। आज की क्विज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, अरबी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। जल्दी आंसर दें। टाइम अप। इसका आंसर है सी, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, कनाडा। कनाडा संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 5 प्रकार की। 5 प्रकार की उच्चतम न्यायालय द्वारा रिटें जारी की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, अनुच्छेद 33 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में खटास किस चीज की होती है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल की वजह से
नींबू में खटास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित डंपा बाघ अभयारण्य को क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसको संयुक्त अरब अमीरात का अगला राजदूत नियुक्त किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, पवन कपूर। पवन कपूर को संयुक्त अरब अमीरात का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आयोग द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार अवैध खनन क्षेत्र में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के 5,000 से अधिक बच्चे शिक्षा से वंचित हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये आयोग है राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा सर्वे किया गया था। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने हाल ही में किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला को अभी नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तूर पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक GI टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये राज्य है केरल। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंक रोधी अभियान के तहत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगले महीने अक्टूबर में होने वाली अपनी बैठक में किस देश को ब्लैक लिस्ट करने जा रही है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, पाकिस्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल ही में किस देश की हॉकी टीम को हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, जापान। भारतीय महिलाओं की टीम ने जापान टीम को हराकर ओलंपिक टेस्ट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्त किया गया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, राजीव गौबा। राजीव गौबा को हाल ही में अभी कैबिनेट सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने
हाल ही में किस देश को F-16 युद्धक विमान बेचे जाने की मंजूरी दे दी है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये देश है ताइवान। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे रक्षा सचिव नियुक्त किया है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, अजय कुमार। अजय कुमार को हाल ही में अभी रक्षा सचिव नियुक्त किया है। ये थी आज की क्विज। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं आज की क्विज आपको कैसी लगी। जल्दी मिलते हैं अगली क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।